ये कटहल का अचार नहीं है बल्कि ननद जी का प्यार है। कैसे? तो सुनिए इसके पीछे की कहानी। हम लोग गए थे ननद जी के यहाँ। बात बात में बात हुई कि हम लोगों ने कहा मेरठ जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ तो कटहली मीन्स छोटा वाला जो कटहल होता है वो नहीं मिलता है। तो ननद जी बोली अच्छा हमारे गांव में तो पूरा पेड़ ही है। उनको अपने गांव जाना भी था उसी टाइम क्योंकि उनके गांव के घर में बहुत ही बड़ी पूजा का आयोजन था। बोली चलो हम लोगों को वहाँ छोड़ भी देना और साथ ही में जितना चाहे कटहल लेते आना। बस पति देव जो इस छोटे वाले कटहल के बड़े प्रेमी हैं। ऐसा सुनकर गाड़ी उठाया और सबको बिठाया और चल पड़े गांव की ओर। उस गांव की गलियों में ऊपर नीचे करते हुए हम लोग गांव में पहुंच गए। मुश्किल से आधा घंटा का रास्ता था ननद जी के घर से। फिर क्या, हम लोग पहुंच गए उनके घर, उनके गांव को घूमा, उनके पूरे घर को घूमा और बच्चे भी उस गांव में बहुत इंजॉय किए। और फिर क्या, फिर जीजा जी ने कम से कम 10 कटहल तोड़ के बोरी में डालकर दे दिया। फिर हम लोग वापस आ गए, लोगों से मिलते जुलते उसमें से आधा कटहल तो बट गया लेकिन फिर भी उसमें से बचे 5 कटहल। अब शौकवश इतना कटहल ले तो लिए लेकिन इतने कटहल का हम करते क्या, क्योंकि हम लोग खाने वाले सिर्फ 2 लोग, बच्चे खाते नहीं। फिर एक दिन बनाया सब्जी और एक दिन बनाया कटहल का, कटहल दो प्याजा जो कि बहुत टेस्टी सब्जी बनती है वो हमने बना दिया। फिर बाकी का क्या किया, बना दिया अचार। अचार की रेसिपी हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। कटहल को छील कर छोटे छोटे पीस में काट कर धोकर थोड़ा सा धूप दिखा ले, फिर उससे के बाद उसको कढ़ाई में हल्का सा थोड़ा सा तेल डालें और उसको पकने तक पकाएं। मेरा कटहल तो बहुत ही सॉफ्ट था तो मैंने उबाला नहीं। आप चाहे तो इसे उबाल कर धूप दिखाकर उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल करके फ्राई कर लें। अब इसमें आप डालें अमचूर या आम डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर दोनों ही डाला है। साथ ही साथ आप डालें नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अचार मसाला और फिर इसमें डालें आप लहसुन का पेस्ट, क्रश किए हुए थोड़े से अजवाइन डालें। इसके बाद इसमें तेल गरम करके ठंडा कर ले और उसको भी इसमें डाल दें। मैंने यहाँ आम और अमचूर खट्टे के लिए दोनों ही यूज किया है। आप चाहें तो कोई एक चीज़ यूज कर सकते हैं लेकिन खट्टा ज़रूर डालें क्योंकि खट्टे से ये अचार का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। फिर आप इसे धूप दिखाएं या ना दिखाएं, आप इसको साल भर स्टोर करके रख लें और इन्जॉय करें। कैसी लगी आपको इस कटहल की रेसिपी और कैसी लगी इस कटहल के अचार के पीछे की कहानी, हमें ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू एंड बाय बाय।